खबर विस्तार से। समस्तीपुर में भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की खबर सामने आ रही है। दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में सरदारगंज चौक के पास रविवार को ताजिया खेलने के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने हुड़दंग करते हुए गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। मना करने पर उन्होंने कई राहगीरों के साथ बकझक की है और हाथापाई भी की। पीड़ित कार सवार ने थाने में आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और समस्तीपुर से हमारे संवाददाता मुकेश यादव जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुकेश, बताया जा रहा है कि ताजिया खेलते वक्त यह हुड़दंग किया गया है, कार के शीशे तोड़े गए हैं। पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जी, इस मामले पर पुलिस के द्वारा मामले की जांच कर और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। जो आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी के कैमरे लगे हैं, पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। और ये कल की घटना है जब मधुबनी के रहिका थाना क्षेत्र के रहने वाले अमितेश अपने परिवार के साथ जब जा रहे थे पटना के लिए, वो निकले थे यहाँ से और उसी दौरान ये घटना उनके साथ हुई। कार के शीशे तोड़ दिए गए दोनों आगे और पीछे दोनों के, और पीछे जो सबसे बड़ी बात है उनकी पत्नी और बच्चे बैठे थे, तो हालांकि वो बच गए, इसमें उन्हें चोट नहीं आई, लेकिन बड़ी घटना हो सकती थी। और जुलूस के दौरान इस तरह के उपद्रव वहाँ पे स्थानीय लोगों से बातचीत हुई है। उनका बताना है कि जो शरारती तत्व है उनके द्वारा सड़क पर हुड़दंग हर साल इसी तरह से मनाया जाता है। जी, इसमें दो सवाल उठते हैं। एक तो ये कि पुलिस से शिकायत तो की गई है, क्या कार्रवाई की गई? और दूसरा, जब ये जुलूस निकाला जा रहा था उस समय क्या पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी? क्योंकि इस तरह के जुलूस के दौरान आमतौर पर सुरक्षा पुख्ता की जाती है। जी, निश्चित तौर पर जब मुहर्रम को लेकर के दलसिंहसराय थाने पर शांति समिति की भी बैठक की गई थी, जिसमें किसी भी तरह की का हुड़दंग नहीं, डीजे नहीं बजाने इत्यादि बातें की गई थी, लेकिन